नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद छाया। अभी मानसून शुरू हो गया है। मानसून में एडेनियम की अच्छी केयर कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम जानते हैं। जब आप एडेनियम की लिए सॉइल मिक्स बनाते हैं तो कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा। पॉटिंग मिक्स एकदम पोरस होना चाहिए, वेल्ड्रेन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मिट्टी में 40-50% रिवर सैंड मिलानी होगी। उससे क्या होता है, पॉटिंग सॉइल पोरस बन जाती है हमारी और पानी पॉट में रुकता नहीं है, झट से ड्रेन हो जाता है। तो पौधे कभी गलते नहीं, पानी की वजह से कभी आपके पौधे खराब नहीं होंगे। इसके लिए सिंडर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ तो मिलता नहीं तो मैं सैंड का ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास एडेनियम के 70-80 गमले हैं। मैं सारे पॉट्स में सैंड ही यूज़ करती हूँ। और पौधे जब लगाते हैं तो गमलों में नीचे होल होना बहुत ही ज़रूरी है। इन प्लांट्स को धूप चाहिए तो ये प्लांट्स हम ओपन में ही रखते हैं। लगातार बारिश की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप ये पौधा देख सकते हैं ऊपर से कैसे खराब हो रहा है, पत्ते पीले हो रहे हैं और ऊपर से ब्रांचेस भी थोड़ी सी नरम हो गई है। फंगस का अटैक हो गया है इस पे। 10-12 दिन हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, पौधे गीले ही रहते हैं, उसकी वजह से फंगस का अटैक हुआ है। कुछ पत्ते काले हो रहे हैं, अभी शुरुआत ही हुई है तो अभी इन्हें हम क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के खराब पत्ते पत्तों का कुछ पोर्शन हम निकाल देंगे। पीले पत्ते जो हमारे पॉट में जो पत्ते गिरे हैं और सारे उठाकर हम दूर फेंकेंगे और इस पे फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। इसके लिए आप कोई भी फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। आपके पास जो है जो अवेलेबल है, साफ हो सकती है, बैबिस्टिन हो सकता है। उसके लिए हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर डालेंगे और उसका स्प्रे करेंगे। पौधों को हम नीचे से ऊपर से पत्ते पूरी तरह से गीले होने चाहिए फंगीसाइड से। इसका स्प्रे हम 15 दिन में या 8 दिन में एक बार कर सकते हैं और इसका पानी भी हम मिट्टी में डालेंगे महीने में एक बार, तो रूट्स भी फंगस से बच जाएंगे। अब ये पौधा देख सकते हैं आप, इसके ऊपर से ब्रांच की रॉटिंग शुरू हो गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वो इन्फेक्टेड पोर्शन हम काट देंगे और उसके ऊपर फंगीसाइड पाउडर लगा के इसे शेड में रखेंगे। इसके ऊपर से पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पूरा पौधा खराब हो जाएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पौधों को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए उसे हम शेड में रख सकते हैं या बारिश के समय प्लास्टिक से भी ढक सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो हम ये नहीं करते। तो उसके लिए जब भी आप गार्डन में जाते हो तो ऑब्जर्व करते रहिए, कहीं कोई इन्फेक्टेड पौधा दिखता है तो उसे सेपरेट करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप मानसून में पौधों की अच्छी केयर करते हैं तो आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।